किसानों को आपदा में बर्बाद फसल का सही मुआवजा नहीं मिला है और इसी बात का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया है जिसमें हरिद्वार जिले के तमाम किसान मौजूद रहे। तो इस सीएम आवास कूच में हरिद्वार के कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल भी शामिल हुए। इनकी सीधी सी मांग है और कांग्रेस शिकार कार सवार 5 लोगों को लगी चोट, एसडीआरएफ ने किया सभी का रेस्क्यू। 500 रुपया प्रति क्विंटल प्रति बीघा मुआवजा दिया गया है क्षतिपूर्ति के रूप में आपदाग्रस्त किसानों को, वो किसान और किसानी का अपमान है। देखिए वास्तविकता में परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, बड़ी विकट हैं। अगर परिस्थितियां विकट ना होती तो हम लोगों को सड़कों पर ना आना पड़ता। धामी सरकार किसानों के साथ में खड़ी है जिसके लिए 23 करोड़ से अधिक का मुआवजा किसानों को हम बांट चुके हैं। 33% से अधिक नुकसान होता है तो उसका मुआवजा इसके तहत दिया जाता है, वो दिया जा चुका है। और वास्तव में क्योंकि मानक कम है, हमने भी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। कभी जाने माने इंजीनियर देने वाले द्वारा हाट इंजीनियरिंग कॉलेज की साख लगातार गिरती जा रही है। निदेशक और विधायक के बीच में उठे विवाद के बाद में लपटे थमी भी नहीं थी कि छात्र गुटों में भी खूनी संघर्ष हो गया है। फिर चर्चाओं में यह भी है कि ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कॉलेज का प्रबंधन कर क्या रहा है। यूपी के दौर से ही द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी साख रही है। इस कॉलेज ने देश को एक से बढ़कर एक इंजीनियर दिए, लेकिन बीते कुछ समय से लगता है इस कॉलेज का विवादों से चोरी दामन का साथ हो गया। टेंडर विवाद को लेकर विधायक मदन बिष्ट ने जिस तरह निदेशक के घर पर धावा बोला उसकी चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन सवालों में घिरे विधायक को लगता है कि छात्र गुटों में हुए खूनी संघर्ष ने उन्हें एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। विधायक की माने तो ये खूनी संघर्ष कॉलेज प्रबंधन के नाकारेपन को जाहिर कर रहा है। ये डायरेक्टर्स को हमेशा जो है बच्चों की निगरानी भी, आज तक के बच्चे वहां जो हैं, आप कभी भी वैसे भी भ्रमण करके आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से रात को घूमते हैं, किस तरीके से अपना शराब से लेके दूसरे धंधे से लेके वो लोग वहां पे करते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है कि उस पर रोकथाम लगाना। बीते दिनों कॉलेज कैंपस में हुए खूनी संघर्ष में छात्रों के बीच जहां जमकर लाठियां चली, वहीं कुछ छात्रों ने हथियार चलाने से भी परहेज नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और मामले को तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने 18 छात्रों को निलंबित कर दिया। लेकिन कॉलेज कैंपस में अनुशासन की धज्जियां उड़ी इस पर चुप्पी साधी रखे। ऐसे में कॉलेज प्रबंधक की भूमिका भी सवालों के घेरे में। मुझे लगता है कि चूंकि सभी चीज़ों की जांच पुलिस कर रही है, जांच आ जाने दीजिए, उसके बाद में कोई हम सब लोग जो है फिर उसमें अपना मंतव्य बनाना चाहिए। चूंकि प्रकरण जांच के अंतर्गत है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। निदेशक और विधायक के बीच विवाद का क्या होगा या पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा, लेकिन ये सवाल उठना भी लाजमी है कि उन्हीं संघर्ष से जिस तरह कॉलेज की साख पर पट्टा लगा है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन क्या होगा, कब होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों पर डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। पौड़ी के डीएम ने कोटद्वार नगर आयुक्त वैभव गुप्ता की सैलरी रोकने का आदेश दिया है, तो वहीं सीएमओ और एसीएमओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बेस अस्पताल कोटद्वार में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बैठक कर डीएम ने डेंगू के मामलों पर जानकारी ली है। रुड़की में शहर और देहात में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसने प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त की टीम ने सुनहरा गांव में 14 घरों में लार्वा की जांच की जिसमें 4 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया जिसको छिड़काव करके मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि डेंगू के डंक से बचा जा सके। घर का निरीक्षण करा जिसमें से हमें 4 घरों में, 2 तो कूलर में मिला है, रेफ्रिजरेटर में मिला है और बाकी ऐसी बर्तनों में हमें डेंगू के लार्वे पाए गए जो हमने मौके पे वहीं पे एंटी लार्वा का छिड़काव करके नष्ट करा है। बागेश्वर के विधायक पार्वती दास ने शनिवार को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने पार्वती दास को
विधायक पद की शपथ दिलाई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्वती दास के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। और पार्वती जी को नई पारी की शुरुआत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कि भगवान उनको शक्ति दे और वो हर क्षेत्र में बागेश्वर क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी कंडेरी जी हैं, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस मौके पर आदरणीय चंदन रामदास जी को भी याद करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो सदस्य पार्वती दास जी हैं, जिस तरह से बागेश्वर की सेवा में चंदन रामदास जी ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया है, आदरणीय सदस्य भी उनके सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने उनके आवास पर मुलाकात की। कृति इन दिनों देहरादून में फिल्म दो पत्ती की शूटिंग कर रही हैं और इस दौरान वे फिल्म निर्माता और लेखिका कनिका ढिल्लन भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन है और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए दूसरी लोकेशन भी देख रही है, जिसके लिए उनकी टीम उत्तराखंड में ही तलाश कर रही है। पहाड़ में मिले धार्मिक आस्था के साथ ही मनोरंजन का बेहतरीन जरिया है। आधुनिकता के दौर में पहाड़वासियों के लिए मेले का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में सुबह से रात तक लग रही है भीड़। ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा में सदियों से लगने वाले नंदा देवी मेला धार्मिक आस्था के साथ ही व्यापार और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है, जहां कई कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। वहीं छोलछीना से आए दिव्यांग दंपति की कला ने समा बांध दिया। उन्होंने न्योली, छपेली और कुमाऊनी गाने गाकर लोगों का मन मोह लिया। विगत कम से कम 30-35 साल से नंदा देवी में लगातार आ रहे हैं और जो नंदा देवी में ये आते हैं और इनको मंच, हम इनको मंच में वो करते हैं और लोग इनको जो दक्षिणा वगैरह देते हैं, जो अपनी ओर से उसको मतलब उनकी वो करते हैं, उससे उनका साल भर का खर्चा चलता है। माँ नंदा देवी के महोत्सव में संस्कृति के कई रंग देखने को मिलते हैं। वही मेले के जरिए युवाओं को कुमाऊनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। ये हमारे संस्कृति के न्योली, चाचरी, भगनौल ये चीज गाते हैं। हमें 28 साल हो गए हैं। हम सभी महिलाएं मातृशक्ति 28 सालों से कलश यात्रा में आते हैं। हर साल नंदा देवी मेले का इंतजार छोलछीना के दिव्यांग बुजुर्ग दंपत्ति को रहता है, क्योंकि मेले में कार्यक्रम करके ही वो पैसे कमाते हैं। वही नंदा देवी मेले में उमड़ रहा जनसैलाब ये साबित करता है कि आज भी पहाड़ में मेलों का महत्व बरकरार है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के लॉ कॉलेज में शनिवार को सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई और एफआरआई के निदेशक और साथ ही कुलपति डॉक्टर रेणु सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि और यूकॉस्ट के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डीपी उनियाल बतौर विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलपति जितेंद्र जोशी ने कहा कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी नवाचार और उद्यमिता को प्राथमिकता दे रही है और उन्होंने देशभर में आए शोधकर्ताओं की तारीफ भी की और साथ ही लॉ कॉलेज की भी तारीफ की। लोहाघाट के पाटन गांव में चार दिनों से चल रहे मां झूमाथपुरी के मेले का समापन हो गया है और इस दौरान अंतिम दिन भगवती और मां महाकाली के डोलों की रथ यात्रा निकाली गई है। 1800 मीटर चढ़ाई पर स्थित मां झूमाथपुरी के मंदिर तक हजारों लोग इन डोलों को अपने कंधों पर रखकर खींचते हुए पहुंचते हैं और ये डोले पाटन, पाटनी और रायकोट महर के साथ कुंवर गांव से आते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब सीवर लाइन के मेन होल में मौजूद जहरीली गैस की वजह से कर्मचारियों की मौत तक हो गई है, लेकिन अब रोबोटिक मशीन आने के बाद में उनका जीवन सुरक्षित होगा। जल संस्थान अब राजधानी में रोबोटिक मशीन लाने जा रहा है और इससे ये और भी ज्यादा आसानी होगी, पता चल सकेगा कि कहां पर कचरा, पत्थर या फिर रेत फंसने की वजह से सीवर लाइन बंद है। इस मेन होल क्लीनिंग रोबोट में 36 कैमरे लगे हुए हैं। कुछ और चीजें फंस जाती हैं, लोग जो डालते हैं कभी कभी और गंदगी भी फंस जाती है, तो उसको निकालने के लिए, उसको चेक करने के लिए, तो हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिसे अभी कैमरे की मदद से हम ये अंदर चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं हम।